हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक अकेडमी। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती GDS की है। जो भी विद्यार्थी अभी 10th पास कर लिए हैं, उनकी स्टडी किसी भी वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाई है, और आप लोग 10th पास करके बैठे हैं, आप लोगों को किसी न किसी वैकेंसी का इंतजार है, जो आपके लेवल के हो, जो आपके लायक हो, जिसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगर आपके 10th में परसेंटेज अच्छा है, अभी हम लास्ट में बात करेंगे कितना परसेंट मिनिमम आपका होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें परसेंटेज देखी जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे ये पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भर्ती है ग्रामीण डाक सेवा भर्ती है। आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ऑनलाइन माध्यम से कैसे आपको आवेदन करना है, एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, और एज रिलैक्सेशन क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, और फीस कितनी लगने वाली है, और किसको क्या कैटेगरी वाइज देखेंगे, और लास्ट डेट क्या है, ये इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आइए एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं ग्रामीण डाक सेवा भर्ती में। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वर्तमान में आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवा सेवक बनना बहुत आसान है, इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। तो चलिए आगे हम देख लेंगे इसकी क्या प्रक्रिया फ्रेंड्स। ग्रामीण डाक सेवक बनना बहुत आसान, इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में आवेदन आप अपनी मेरिट लिस्ट के आधार पर कर सकते हैं, और आवेदन करने के लिए आवेदक का 10वीं पास होना आवश्यक है, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पास हैं 10वीं, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। 10वीं के मार्कशीट होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, PWD सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र, ये इतने सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके पास टाइम है, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप बनवा सकते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि आप ग्रामीण डाक सेवा भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म अपने घर पर ही भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन होना आवश्यक है, आप अपने फ़ोन से भी इसको भर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, और उसमें इस ग्रामीण डाक सेवा पोर्टल को ओपन करना है। आप पोर्टल के होम पेज को ओपन आपको पोर्टल के होम पेज को ओपन करना है, और होम पेज पर आपके स्टेज 1 रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, उनमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, एप्लीकेशन नाम और माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, जन्म तिथि वही हो गया जन्म दिनांक, जेंडर आदि जानकारी आपको फिल करनी है, और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, में डिटेल में हर चीज़ें बताई गई हैं एक एक करके। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उस पेज में आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, यदि कोई दिव्यांग है तो उसे फिल करना है, और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, जिसमें आपकी सारी जानकारी दिखाई जाएगी, उसे आपको चेक करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेज पूरा हो चुका है, अब आपको फॉर्म भरना है। आदि जानकारी इसी प्रकार से फिल करनी है और रजिस्ट्रेशन को पूरा करना है। नीचे भी सारी जानकारी जो आपसे पूछे जा रही है उसे भी फिल करना है, और
सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट इसमें 18 से 40, मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। तो अगर 18 से 40 के बीच में हैं आप तो ये फॉर्म भर सकते हैं। आइए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदक को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है। ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। ग्रामीण सेवक बनने के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आपको का 10वीं पास होना है, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की भाषा का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन क्या है। कैटेगरी वाइज है फ्रेंड्स, SC ST के लिए 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है और AWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है और PWD के लिए 10 साल की, PW+ OBC के लिए 13 साल की एज रिलैक्सेशन है और PWD और SC ST 15 साल के लिए है। तो चलिए इसकी सैलरी देख लेते हैं। सैलरी पोस्ट के हिसाब से इसकी सैलरी है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, अगर आपका सिलेक्शन ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए होता है तो उसकी सैलरी 12,000 से 29,380 पर मंथ होने वाली है। और आपका सिलेक्शन अगर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर ग्रामीण या ग्रामीण पोस्ट मास्टर के तौर पर होता है तो आपको 10,000 से 24,470 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तो चलिए इसकी फीस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फीस भी जाति के हिसाब से है। SC ST और दिव्यांग सभी वर्ग, SC ST SC ST के लिए और दिव्यांग के लिए और सभी वर्ग की, चाहे वो जनरल OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से आती हैं तो उनकी फीस 0 है। और देख लेते हैं सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये इसका चार्ज रहेगा। और देख लेते हैं आवेदन करने की तिथि और लास्ट डेट। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है फ्रेंड्स 15/7/2024 और आवेदन की अंतिम तिथि है 5/8/2024। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि भी 5/8/2024 है, तो 5/8/2024 तक आपकी पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी जानकारी आपकी GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवा भर्ती की पूरी प्रक्रिया के बारे में था। आप इसे वीडियो को स्लो करके आराम से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर। तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और फिर मिलेंगे इसी तरह की मोटिवेशनल और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।